घृणा का अनुभव किसने नहीं किया? किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में कड़वाहट आ जाए, हमारे अंतर में इच्छा जागे कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो, वही तो घृणा है ना? उसी व्यक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया, हमारी कोई संपत्ति चुराई अथवा कारोबार में हमें धोखा दिया, ऐसे कई कारण भी हम सोच लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार कीजिए, एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति घृणा होती है, वहां तो किसी ने दूसरे को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या सिर्फ हमारे मन से है? विश्व के सारे धर्म तो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं, है ना? वास्तव में जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। कोई कारोबार में धोखा देता है तब हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे। किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को जब मिलते हैं तो हमें भय लगता है कि हमारी श्रद्धा डगमगा ना जाए। अर्थात हमारी घृणा का संबंध किसी की मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा है, वो केवल हमारे हृदय के भय अथवा डर से जुड़ा है। जिसके हृदय से डर चला जाता है, जो पूरी तरह निर्भय हो जाता है, वो किसी से भी घृणा कर ही नहीं सकता। और डर के पार जाना अनिवार्य है, क्योंकि डर वो दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को खा जाता है। इस सब पर आप चिंतन, मनन, विचार अवश्य कीजिएगा।